सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री कंसेप्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस देखेंगे और उनका हम फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, कल से आपकी एक शिकायत आ रही थी कि आप वीडियो कम बनाते हैं सर आजकल, तो मैं आज से कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा वीडियो हो उतने बनाऊं, जो कि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थाइमोल इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑप्शन ए कोरिएंडरम सैटिवम, ऑप्शन बी मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ऑप्शन सी पेलेरगोनियम ग्रेवियोलेंस एंड ऑप्शन डी ट्रेकी स्पर्मम एमी। दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रेकी स्पर्मम एमी। तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें तो टेकी स्पर्मम एमी, जिसे हम कॉमनली अजवाइन भी कहते हैं, ये पूरे इंडिया में पाया जाता है और जनरली गुजरात और राजस्थान में कल्टीवेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है। टेकी स्पर्मम एमी यानी अजवाइन में लगभग 2.5 से 5% एसेंशियल ऑयल पाया जाता है और 26% फैटी ऑयल्स पाया जाता है। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसेंशियल ऑयल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टिपिकल अजवाइन फ्लेयर आर फिनॉल्स, और वो है आपके थाइमोल और कार्वाक्रोल, जिसमें थाइमोल लगभग 35 से लेकर 60% तक पाया जाता है, जबकि कार्वाक्रोल 11% तक पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन या फिर जीपेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए हमें खूब सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने अपनी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि हमारी वेबसाइट www.pharmaconcept.in पर है। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। इसको आप एक नॉमिनल फीस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आपकी खूब सारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो पाएगी, जिससे कि आप टाइमली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केडीज टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए आइसोथायोसाइनाइड ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी फ्लेवेनोइड ग्लाइकोसाइड एंड ऑप्शन डी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड। दोस्तों, अगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिंग जो कि 5-membered है और उसके टेस्ट के बारे में, तो उसके लिए लीगल टेस्ट और केडिश टेस्ट को काम में लिया जाता है, और केडिश टेस्ट के अंदर कार्डिनोलाइट्स यानी जो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसके अंदर 5-membered इलेक्ट्रॉन रिंग है, उसको हम 3,5-dinitrobenzoic एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। ये एक प्रकार का केडिश रिएजेंट है और साथ ही NaOH भी कराते हैं, जो कि केडीज रिएजेंट पी कहलाता है, और जब इसका रिएक्शन होता है तो फाइनली इसमें वॉयलेट कलर अपीयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज मोस्ट वाइडली यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा एक वेक्टर ऐसा है जो कि क्रॉप यानी फसल का उत्पादन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर किसी भी फसल के उत्पादन को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी कोस्मिड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम। दोस्तों, जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर भी हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने का हमने प्रयास किया है, जिसमें लगभग 80-90% क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप को मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है एग्रोबैक्टीरियम, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम इज ए फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कोज क्रोन गाल डिजीज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर क्रोन गाल डिजीज किसकी वजह से होती है, तो ये एग्रोबैक्टीरियम की वजह से ही होती है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल टू द प्लांट जीनोम। ये अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट जीनोम के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों, एग्रोबैक्टीरियम इज ए जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एस्टैब्लिश्ड बाय H.J. Cohn दैट यूजेज हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर टू कॉज ट्यूमर्स इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, एग्रोबैक्टीरियम इज वेल नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए बिटवीन इट्स सेल्फ एंड प्लांट्स।
एंड फॉर दिस रीज़न इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जब कभी भी हमें क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना है, किसी फसल का इम्प्रूवमेंट, अच्छे तरीके से अच्छे फल आए, या फिर उसका जो भी हमें पर्टिकुलर चीज़ चाहिए वो ज़्यादा अच्छे से उगानी है, तो वहाँ पर हम एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन ट्रांसफ़र करके वहाँ पे अच्छी फसल का ग्रोथ कर सकते हैं या फिर क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग। इनमें से जो मॉर्फोलॉजिकल क्लास है उसका आपको करेक्ट पेयर करना है, जैसे रूट्स, वूड्स, राइजोम्स और बार्क दे रखा है, और एक तरफ ड्रग दे रखी है क्वाशिया, टर्मेरिक, कुर्ची और रोल्फिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में तो रूट्स यानी कि ये रोल्फिया के अंदर होगी, वूड्स की बात करें तो क्वाशिया का वूड्स होता है, राइजोम्स की बात करें तो ये टर्मेरिक का राइजोम होता है, और बार्क की बात करें तो कुर्ची का बार्क होता है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें तो रोल्फिया इज ऑब्टेंड फ्रॉम ड्राइड रूट ऑफ रोल्फिया सरपेंटाइना, जिसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, और ये एंटी हाइपरटेंसिव में काम में आता है। इसी तरीके से क्वाशिया इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम वूड ऑफ एकेरिना एक्सेल्सा, जिसकी फैमिली है सीमारूबेसी, और ये बीटा टोनिक के रूप में काम में आता है। टर्मेरिक की बात करें तो इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम ड्राइड राइजोम ऑफ कुरकुमा लोंगा, जिसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी, और ये एक प्रकार से एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम में आता है। इसी तरीके से कुर्ची की बात करें तो इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ होलोरिया एंटीडिसेंट्रिका, जो कि एपोसाइनेसी फैमिली का प्लांट है, और ये एस्ट्रिंजेंट या फिर बीटा टोनिक के रूप में भी काम में आता है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग। इनमें से कौन सी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर नहीं आती है। ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी गम्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि गम्स। फ्रेंड्स अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड एज ड्रग। क्रूड ड्रग को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दोस्तों जो भी ड्रग्स सेलुलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर सेल्स पाई जाती है, उसको हम ऑर्गेनाइज ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है, सेल्स नहीं रहती है, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की तो वेरियस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट, किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे कि अगार, जिलेटिन, कटेचू। इसी तरीके से गम रेजिन, मिर, एसाफोएटिडा, फिक्स्ड ऑयल के अंदर भी आपका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आएगा। और इसके एग्जांपल है कैस्टर ऑयल, अरेचिज ऑलिव, लेटेक्स, ओपियम, पपैया और रबर, फेट, लार्ड का फेट, रेजिन्स, बेंजोइन और कोलोफेनिका रेजिन। गम्स की बात करें तो अकेशिया, ट्रेगाकेंथ और इस्टरकुलिया का गम। वैक्सेस की बात करें तो बीज वैक्स और वूल फेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जिसे हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी गम्स, जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं होके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन। इनमें से कौन सा एक केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, ऑप्शन बी डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स एंड ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स। फ्रेंड्स अगर हम इसके बारे में बात करें तो केमिकल इवेल्युएशन इंक्लूड्स क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, केमिकल एसेस एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ये भी जो भी होते हैं वो सब केमिकल इवेल्युएशन के अंदर आते हैं, जहाँ पे अपन क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं यानी हमें क्वालिटी का पता चलता है कि ये कौन सी चीज़ है। क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट करें यानी कि हमें क्वांटिटी का पता चलता है कि कितनी मात्रा में वो चीज़ है, या फिर कोई केमिकल एसे करें, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करें जैसे कि IR, UV, इसके द्वारा भी हम फाइंड आउट करें कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो वो सब आपका केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन के अंदर आएगा। फ्रेंड्स द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आर केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन। अगर किसी ड्रग का आइसोलेशन करना है या उसका प्योरिफिकेशन करना है या उसके अंदर कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, तो ये भी केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन में आएगा। तो दोस्तों इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड आपका आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हो गया, तो ये एक प्रकार का केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेनल एक्सेप्ट द। इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें एक ऐसा
करेक्टरिस्टिक है जो कि फेनल का माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में दे रखा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मतलब जो नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमाटा, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ रोजेट कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ एल्यूरॉन ग्रेन्स एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर हम फेनल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ फेनिकुलम वल्गरे, जिसकी फैमिली होती है अम्बेलीफेरी। तो ये एक प्रकार का ड्राई ड्राई फ्रूट से ऑब्टेंड होता है। और अगर इसके कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक देखें तो प्रेजेंस ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, रोजेट टाइप कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल, एल्यूरॉन ग्रेन्स, ये इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा क्रीमोका फूट विथ पेडिसल्स इसके अंदर होता है। द कमिसुरल सरफेस हैज ए कार्पोफोर एंड टू विटी एंड द डोर्सल सरफेस हैज टोटल ऑफ 5 रिजेज। जो अगर हम इसके फ्रूट के बारे में लॉन्गिट्यूडल कट करके उसके बाद में उसका देखें, कमिसुरल सरफेस और आपका डोर्सल सरफेस, तो ये इसके अंदर करेक्टरिस्टिक रहती है। साथ ही साथ मेसोकार्प हैज पेरेन्काइमा सेल्स विथ 5 बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, इसके अंदर 5 बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बंडल्स ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट इज एन आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन ए दतुरा स्ट्रामोनियम, ऑप्शन बी एरिथ्रोजाइलन कोका, ऑप्शन सी अर्जीनिया मेरिटिमा एंड ऑप्शन डी एलेंथस ग्लैंडुलोसा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि अर्जीनिया मेरिटिमा। दोस्तों अगर आपको कैल्शियम ऑक्सीलेट के टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में देखना है तो आप ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिस पर हमने पहले वीडियो बना रखा है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें तो एसिकुलर कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल, जिसे हम ग्रेफाइट्स भी बोलते हैं, वो जनरली पाए जाते हैं इनमें। फर्स्ट सिंगल एसिकुलर, या आपका जेंसियन रूट या फिर सिनामोन बार्क में रहेगा। और सेकंड बंडल ऑफ एसिकुलर, या आपका स्क्विल में रहेगा, जिसका नाम है अर्जीनिया मेरिटिमा, यानी अर्जीनिया मेरिटिमा के म्यूसिलेज के अंदर ये आपका बंडल ऑफ एसिकुलर पाया जाता है। साथ ही साथ इपेकाक रूट में भी बंडल ऑफ एसिकुलर्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बीज वैक्स मेनली कंटेंस, ऑप्शन ए पामिटिन, ऑप्शन बी मेरिसिन, ऑप्शन सी स्टीरिन एंड ऑप्शन डी सीरोटिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मेरिसिन। फ्रेंड्स अगर हम इसके बारे में बात करें तो बीज वैक्स इज द प्योरीफाइड वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम हनीकॉम्ब ऑफ हाई बीज एपिस मेलिफेरा लिन एंड अदर स्पीसीज ऑफ एपीज। जो भी लिनियस था, लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके आधार पे एपिस मेलिफेरा, जो यानी मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर आपका बीज वैक्स पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम एपिस मेलिफेरा की फैमिली देखें तो वो आपकी एपीडी रहेगी। फ्रेंड्स बीज वैक्स कंटेंट मेरिसिन विच इज मेलिसिल पामिटेट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 634 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जब कभी भी मेरिसिल पामिटेट को सपोनिफाई किया जाता है तो ये सीरोटिक एसिड और मेरिसिल एल्कोहल लिबरेट करता है। तो दोस्तों बीज वैक्स में जो मेनली होता है वो मेरिसिन होता है, और उसका सपोनिफिकेशन से आपका सीरोटिक एसिड बनता है। फ्रेंड्स इसके अलावा मेलिसिक एसिड सम अनसेचुरेटेड एसिड्स ऑफ द ओलिक सीरीज सीरिल एल्कोहल एंड 12-13% हायर हाइड्रोकार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन बीज वैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेजरपिन एंड डेसरपिडीन डिफर ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शन ए मिथाइल ग्रुप एट C3 पोजिशन, ऑप्शन बी एसिटाइल ग्रुप एट C16 पोजिशन, ऑप्शन सी मिथाइल ग्रुप एट C10 पोजिशन एंड ऑप्शन डी मिथाइल ग्रुप एट C17 पोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मिथाइल ग्रुप एट C17 पोजिशन। फ्रेंड्स अगर हम रेजरपिन और डेसरपिडिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें रेजरपिन के अंदर यानी R ग्रुप दे रखा है वो CH3 ग्रुप रहेगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ये C17 पोजीशन है, और इसके अंदर रेजरपिन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि डेसरपिडिन की बात करें तो यहाँ पे R आपका हाइड्रोजन एटम रहेगा, यानी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट रहेगा। तो इसी के द्वारा हम रेजरपिन और डेसरपिडिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जनरली रोल्फिया एल्कलॉइड है, और ये रेजरपिन और डेसरपिडिन की बात करें तो इन दोनों का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है। फ्रेंड्स जो डेसरपिडिन होता है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी में पाया जाता है नेचर में, और ये जनरली रेजरपिन के द्वारा ही सिंथेसाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का, और आज का गोल्डन क्वेश्चन है हायोसाइमिन इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए कोलिनर्जिक, ऑप्शन बी एंटी कोलिनर्जिक,
ऑप्शन सी एडिनर्जिक एंड ऑप्शन डी 5-HT ब्लॉकर। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।